पठानकोट में खुफिया तंत्र कमजोर साबित हुआ, उरी में खुफिया तंत्र कमजोर साबित हुआ, पुलवामा में खुफिया तंत्र कमजोर साबित हुआ। सुबह से शाम तक आप जहां जहां, आप दिल्ली की ही कानून व्यवस्था देख लीजिए, यहां भी खुफिया तंत्र कमजोर साबित हुआ। आपका खुफिया तंत्र कमजोर, आपकी जांच एजेंसियां लचर, ये किस तरह की सरकार चला रहे हैं आप? ये सरकार क्या अपने ही देशवासियों को आंख दिखाने के लिए है और आतंकवादियों को बेल दिलवाने के लिए? और अमित शाह साहब तो क्रोनोलॉजी समझाते हैं सबको, जरा हमें भी क्रोनोलॉजी समझाइए, ये हुआ क्या? पुलवामा हुआ, आपने वोट बटोरे, राजनीतिक रोटियां सेकी, हमारे जवान शहीद हुए, जहां कोई नहीं जा सकता वहां आरडीएक्स चला गया और इनको बेल हो गई क्योंकि सबूत इकट्ठे नहीं हो सके, चार्जशीट दायर नहीं हो सकी। पुरानी आदत है अमित शाह साहब की कि पहले एनआईए से बेल हो जाती है, फिर उनको टिकट भी मिल जाती है। हो सकता है इनको भी, यूसुफ चौपान साहब को भी कोई टिकट मिलने वाली हो लोकसभा की या विधानसभा की, हो सकता है। ये तो इनकी पुरानी आदत रही है, हम तो और उदाहरण भी दे सकते हैं क्या क्या किया इन्होंने। जिम्मेदारी किसकी बनेगी, कौन लेगा जिम्मेदारी? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कागज जो सर्कुलेट कर रहे हैं प्रेस रिलीज के नाम पर, उस पे तो किसी के साइन नहीं है, कोई वाटरमार्क नहीं है। गृह मंत्री जिम्मेदारी लेंगे, एनआईए चीफ जिम्मेदारी लेंगे, या मौन मोदी साहब, कौन जिम्मेदारी लेगा? या फिर दोवल साहब की शब्दों में कहें तो जो हो गया सो हो गया, पुलवामा भी हो गया सो हो गया। कल कहा था ना दोवल साहब ने दिल्ली में, जो हो गया सो हो गया। दोवल साहब, ये देश की इज्जत पर हमला था पुलवामा, ये हो गया सो हो गया नहीं था, इसकी तो जवाबदारी बननी पड़ेगी। कौन जवाबदारी बनेगा, कौन इस्तीफा देगा, ये बात अब स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन यहां अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट।